टाइम्स डेली HD न्यूज। शपथ लेना आसान है लेकिन पद पर रहते हुए उसका निर्वहन करना कठिन काम है। समाज सेवा का क्षेत्र राजनीति से भी ज्यादा चुनौती भरा हो गया है। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां केवल पद पर रहने तक सीमित नहीं है बल्कि हम जीवन भर समाज के अंग बने रहते हैं। सामाजिक संस्था छोटी हो या बड़ी सबके सहयोग से ही आगे बढ़ सकती है। समाज के माध्यम से ही हम शहर प्रदेश और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर जागरूक नागरिक होने का परिचय दे सकते हैं। ये विचार गीता भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष समाजसेवी राम एरन के हैं जो उन्होंने अग्रवाल समाज के अग्रणी संस्था अग्रवाल परिषद के नव निर्वाचित अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल एवं सचिव रितेश बंसल के नए संचालक मंडल को होटल निर्वाणा मॉक में शपथ दिलाते हुए व्यक्त किए। मेदांता हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भरत रावत एवं अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंघल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। शपथ अधिकारी राम एरन ने प्रत्येक पदाधिकारी को उनके कर्तव्यों की जानकारी वाला पर्चा देकर उनकी सहमति लेने के बाद ही शपथ दिलाई। इस तरह पहली बार समाज की संस्था के संचालक मंडल को अनूठे अंदाज में शपथ दिलाई गई। नए संचालक मंडल में सत्यनारायण अग्रवाल उपाध्यक्ष, श्रीमती कृष्णा सुरेश अग्रवाल महिला उपाध्यक्ष, राजेश अग्रवाल कोषाध्यक्ष एवं द्वारकाधीश मित्तल सहसचिव ने भी शपथ ग्रहण की। कार्यकारिणी में अनिल अग्रवाल, अजय सिंघल, आशीष मंगल, रुपेश गर्ग, संजय गर्ग, विनित गर्ग, विकास केडिया एवं विवेक बंसल तथा महिला कार्यकारिणी में श्रीमती मधु गोयल, प्रीति मंगल, रेखा गुप्ता, विनीता अग्रवाल को भी शपथ दिलाई गई। प्रारंभ में परिषद की ओर से मुकेश अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, अनिल गोयल, ओम प्रकाश आकार, रतीश बंसल, अशोक मित्तल, सचिन अग्रवाल, किशोर गोयल, अजय मंगल आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। समन्वयक अनिल गोयल ने मीडिया चर्चा में बताया कि महाराजा अग्रसेन के चित्र पूजन के साथ प्रारंभ हुए समारोह में नए अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल ने परिषद के भावी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर रावत ने अपने उद्बोधन में स्वस्थ रहने के लिए अनेक टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि जिन घरों में रसोई घर जल्दी बंद हो जाते हैं और जिन लोगों को पैदल घूमने की आदत होती है वहां बीमारी कम होती है। अतिथियों को स्मृति चिन्ह राजेश भगत ने दिए। संचालन अनिल गोयल एवं सुगंधा बेहरे ने किया और आभार माना रितेश बंसल ने। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज किस तरह से शपथ लेने समारोह हो रहा है और क्या नए संकल्प लिए जा रहे हैं? इसमें जो है कई सेवा के हम कार्य करते आए हैं और इस वर्ष जो है और भी ज़्यादा अनाथ आश्रम में जो बच्चों के आश्रम हैं वहाँ पर और सेवा के बड़े कार्य किए जाएंगे। और संस्था जो है 28 वर्ष पुरानी संस्था है हमारी और ये हमेशा सेवा के कार्य करते आई है। हर वर्ष बच्चों को यूनिफॉर्म 1100-1200 हम यूनिफॉर्म देते थे क्योंकि कोरोना काल से 2 साल से बंद था वो। अब इस साल और विस्तृत सेवा के कार्य करेंगे हम। आज शपथ विधि है जिसके अंदर की अंतर्गत दिलीप जी अग्रवाल हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज शपथ अपने संचालक मंडल की ली है और काफ़ी अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज हमारी शपथ विधि चल रही है। और उसमें जो है हमारे मुख्य अतिथि ललवानी जी थे लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो रहे हैं और मुख्य अतिथि हमारे जो विशेष अतिथि हैं वो डॉक्टर भरत जी रावत हैं जिनका भी उद्बोधन होना बाकी है। और रामजी एरन हमारे शपथ विधि अधिकारी थे। केंद्रीय समिति के अध्यक्ष गोविंद जी अग्रवाल भी हमारे अतिथि थे। तो इस प्रकार से हमारा ये कार्यक्रम परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? परिषद में हमारे बिल्कुल 130 मेंबर हैं जो कपल मेंबर हैं, मतलब 130 जो कि काफ़ी मनोरंजन के कार्य करते हैं और सेवा कार्य तो करते ही हैं लेकिन साथ साथ में मनोरंजन के भी कार्य पार्टियां वगैरह होती हैं। इसमें आपका परिचय कोरोना काल के दौरान कुछ सदस्यों को हमने ट्रांसफर मशीन ने जो है वो दी, 5 मशीनें हमने चलाई थी उसमें जिनको भी ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन मशीनों की उनको हमने वितरित की है। मतलब डोर टू डोर जाते थे उनको लेके और उनके मशीन हमने लगाते थे, 5 मशीनें हमने सम्मान भी किया गया कोरोना काल के दौरान। वो हमारे सदस्यों का सम्मान किया जिन्होंने अच्छे इसमें कार्य करा और सेवा कार्य काफ़ी करे कोरोना काल के अंदर में, उनका स्वागत किया।